नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, अब खबर जालौन से। कालपी के जालौन कृषि कानून बिल का विरोध कर रहे भारतीय किसानों ने गुरुवार को देश भर में रेल रोको आंदोलन बुलाया है। यह आंदोलन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर द्विजेंद्र सिंह निरंजन ने अपने 4-5 दर्जन किसानों भाइयों के साथ आज कालपी रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। गौरतलब हो कि आज गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कालपी रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन आरंभ किया। किसानों का कहना है कि उनका यह रेल रोको आंदोलन शांतपूर्ण ढंग से किया गया है। इसमें किसानों की ओर से किसी भी प्रकार की अभद्रता तथा अराजकता को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। किसान संगठन की ओर से ग्वालियर छपरा मेल में परेशान यात्रियों को फल एवं मिठाई वितरित की गई। सभी किसान मोर्चा को यह उम्मीद है कि पूरे देश से इस आंदोलन को समर्थन मिलेगा। 7 सूत्री मांगों में 3 किसान बिल को वापस लिया जाए, समर्थन मूल्य को कानून बनाकर उससे नीचे खरीद करने वालों को अपराध घोषित किया जाए, किसानों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएं, बिजली की दर कम की जाए, डीजल के दाम आधे किए जाएं तथा गोवंश से किसानों की फसलों को बचाने के सरकार द्वारा कोई ठोस उपाय किए जाएं। इन्हीं सब मांगों को लेकर किसानों ने उपजिलाधिकारी कालपी को प्रधानमंत्री संबंधित ज्ञापन सौंपा। कालपी रेलवे स्टेशन परिसर में ग्वालियर बरौनी मेल को रोककर किसानों ने स्टेशन मास्टर बीके गुप्ता को फूल माला पहनाकर एवं यात्रियों को फल मिठाई बांटकर आंदोलन को विराम दिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले स्थानीय प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट था। जिले की कई थानों की पुलिस चुरखी आटा कदौरा की पुलिस मौके पर उपस्थित रही। स्थानीय प्रशासन की ओर से उपजिलाधिकारी जैनेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह, कोतवाली प्रभारी आरके सिंह एवं जीआरपी स्टाफ अपने पूरे दल बल के साथ रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद रहे। कालपी से संवाददाता अमित कुमार यादव की रिपोर्ट। भाई आपका? मेरा नाम भाई डॉक्टर गुजेंद्र सिंह रंजन, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। ये आपका रेल रोको आंदोलन जो आज आप लोग कर रहे हैं, क्या कारण है कि रेल रोको आंदोलन करना पड़ रहा है? ये हमें राष्ट्रीय आह्वान पर ये निर्देश मिला माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से कि जनपद के सभी तहसील और ब्लॉक स्तर पर जहाँ भी रेलवे स्टेशन पड़ते हैं वहाँ पर हम रेल रोको आंदोलन के रूप में हम जो है अपना ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे किसानों का आंदोलन विगत 85 दिनों से दिल्ली में चल रहा है और हमारी जायज मांगों को सरकार हर धर्मता के कारण नहीं मान रही है, उनके लिए हम आम आदमी को केवल ये संदेश देना चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं और आज रेल रोको आंदोलन भी हमारा एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होगा। उसमें हमारा कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं है जिससे प्रशासन को या आम आदमी को कोई दिक्कत हो। हम लोग केवल अपनी मांगों के लिए, मांगों के समर्थन में आम आदमी को ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों की जो जायज़ मांगे हैं वो सरकार को सुनना चाहिए और जो 3 काले कानून के रूप में MSP पर गारंटी, ये सारी चीज़ें सरकार जो नहीं मान रही है। विगत 85 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है लेकिन अब हम लोग सड़कों पर उतर करके इस आंदोलन को जन जागरण के रूप में चलाना चाहते हैं, यही हम लोगों का क्या लगता है रेल रोको आंदोलन